ऐसी विज्ञान प्रदर्शनी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा। मैं तो ये साइंस एग्जीबिशन को बहुत सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन ऐसा एग्जीबिशन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। इसके लिए मैं अजय कौल सर को और उनकी पूरी टीम को और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर ने जो इनिशिएटिव लिया है वो वाकई मतलब काबिले तारीफ है और ऐसा ही चलना चाहिए। ये शानदार प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए मैं अजय सर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इन शब्दों में CWC स्कूल में आयोजित शिक्षण निरीक्षक बृहन मुंबई पश्चिम विभाग विज्ञान प्रदर्शनी की तारीफ की गई। इसी तरह की तारीफ शिक्षा विभाग के दूसरे अधिकारियों ने भी की। आज तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इतना अच्छा विज्ञान प्रदर्शन मुंबई वेस्ट जिले में समाप्त हुआ और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी और अजय कौल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो बच्चों को आज प्राइज मिले हैं उनके लिए, स्टेट लेवल के लिए और नेशनल लेवल के लिए भी, मैं उनके लिए ऑल द बेस्ट यहाँ पे उनको देती हूँ। और सभी टीम को पूरे शुक्रगुजार मैं यहाँ पे उनका थैंक्स व्यक्त करती हूँ। सबके लिए धन्यवाद। तो मैं शिक्षण उप निरीक्षक आपला शिक्षण निरीक्षक कार्यालय बृहन मुंबई पश्चिम उनके तरफ से CWC के सर्वे सर्वा अजय कौल सर जी और उनकी सारी टीम और ऑर्गेनाइजिंग टीम का मैं आभारी हूँ। और जो यहाँ पहले दिन बहुत भव्य दिव्य से उसका उद्घाटन हुआ साइंस एग्जीबिशन का, और उतने ही जोर से बहुत ही जो समारोह था वो समारोह ही हुआ। जो बच्चे ने यहाँ पे जो साइंस के जो प्रोजेक्ट लाए थे वो प्रोजेक्ट जो थे उसका जो उपयोग है वो समाज के लिए और देश के लिए होने वाला है, इसके लिए मैं जो जो स्टूडेंट को यहाँ से फर्स्ट प्राइज मिला, सेकंड प्राइज मिला और थर्ड प्राइज मिला, जो अभी स्टेट लेवल पे जाने वाले हैं, वो सब बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय आमदार महोदय कपिल पाटील सर, इतर मान्यवर, CWC शाळेचे प्राचार्य अजय कौल सर आणि इतर मान्यवरगण, समा उपस्थित पालक मंडळी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशाचं भविष्य असणारे माझे स्टुडंट्स, तुम्हा सगळ्यांना मुंबई पोलिसांतर्फे अभिवादन करतो। खरंतर हे एक्झिबिशनचं रूप बघून, हा सोहळा बघून शाळेतले दिवस आठवले, कारण आम्ही असं जनरेशन आहोत जे भारत देश ज्या स्थित्यंतरातून प्रगती करून आज जगात सुपर पॉवर बनत आहे त्या स्थित्यंतराचे आम्ही साक्षीदार आहोत। अजय सर ने कहा कि विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने और उन्हें इसकी बारीकी समझने के लिए इस तरह की प्रदर्शनी की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने इसकी कामयाबी के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और शिक्षा विभाग का आभार प्रकट किया। देखिए, इसका पूरा श्रेय हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन की, उनके सबके योगदान के वजह से ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा। और इसमें चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर के पूरे एंटायर स्टाफ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सर, इतने सारे लोग यहाँ पर आए, इससे पता चलता है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, लोग सपोर्ट करना चाहते हैं एजुकेशन को। यकीनन, आज तो एजुकेशन आज वक्त की ज़रूरत है, और एजुकेशन जब बच्चे पाते हैं तभी वो प्रोग्रेस लाइफ में कर पाते हैं, और साइंस एग्जीबिशन उसका एक हिस्सा है। सबसे पहले तो साइंस एग्जीबिशन के द्वारे हम लोग बच्चों में ये इंकल्केट करते हैं कि उनका साइंटिफिक अप्रोच कितना है, साइंटिफिक एटीट्यूड कितना है। और आपने देखा होगा कि बच्चों में बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज़ थी, क्रिएटिव आइडियाज़ थी, जो उन्होंने अपने अपने एग्जिबिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया है। CWC कैंपस यारी रोड वर्सोवा में हुई इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर विधान परिषद सदस्य कपिल पाटिल, महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के निदेशक संपत सूर्यवंशी के अलावा शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। ज्यांच्यामुळे हा सगळा डोलारा तिथे उभा आहे, कार्यक्रमाची शान वाढते आहे, ते आपल्या सगळ्यांचे लाडके अजय कौल सर, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि इतना शानदार सम्मेलन और प्रदर्शन एग्जीबिशन आपने अजय कौल सर के इस प्रांगण में रखा है।
और जिस तरह से आपने उसकी शुरुआत की इस आखिरी दिन की, जिस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस किए, मुझे सूर्यवंशी सर बता रहे थे कि ये कैसे होता है। मैं बोला ये कि सरकारी पैसे से नहीं होता, सरकारी पैसा 5,000 रुपये मिलता है ना, कितना मिलता है, मतलब 5,000 मिलता है ना सर, कितने मिलता है, नाइस भाई बाहर गए अपने मुंबई, आप लोग किती अन्याय करतात लोक, तुम्ही जरा सूर्यवंशी सर थोडं आमच्याकडे पण लक्ष द्या, मुंबईकडे आमच्याकडे कौल सरांसारखे, डोन भट सर सरांसारखे, रियाज खानसारखे दानशूर लोक आहेत, म्हणून आम्ही करतोय। हा ते सोपन आहे ना, काही लाखांचा खर्च आहे आणि हा रुडा करतो याला एक महत्व आहे, त्याची दखल शासनाने घेतली पाहिजे। मी सतत विनंती करतो, पण तुमची एक शिफारस गेली, त्या स्थानिक विकास निधी आपल्याला या सायन्स एक्झिबिशनकडे वळवता येईल, तुम्ही ते कराल याची मला खात्री आहे। इतर जिल्ह्यामध्ये आणि आजच्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य मला या ठिकाणी आल्यावरच समजलं की या कार्यक्रमामध्ये सायन्स, आर्ट, कल्चर आणि वंडरफुल ब्युटी, त्याचा जो सुंदर मिलाप, ज्यावेळेस मी महाविद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये प्रवेश केला त्यावेळेसपासून आत्तापर्यंत मी हा सर्व प्रवास अनुभवतो, आनंद वाटतो, कौतुक वाटतं की या प्रदर्शनामध्ये साधारणपणे 353 विद्यार्थ्यांनी त्यांचे प्रकल्प सादर केले, त्यांच्या विविध संकल्पना त्यांनी मांडल्या, आणि मला वाटतं यासाठीच या सर्व बालवैज्ञानिकांचं मी कौतुक करतो, आणि त्यांना प्रेरणा देणारे त्यांचे शिक्षक, त्यांचे पॅरेंट्स आणि त्यांचे मुख्याध्यापक यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस आपकी कैसे मदद कर सकता है, समाज के हर वर्ग को ये कैसे फायदा पहुंचा सकता है, पर्यावरण में सुधार कैसे किया जाए, कृषि को आसान तरीके से कैसे विकसित किया जाए, इन सभी विषयों पर छात्रों ने और टीचर्स ने कई प्रोजेक्ट्स तैयार किए थे, जिसे देखने के लिए छात्र छात्राओं के अलावा उनके पेरेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार करने के लिए छात्र छात्राओं और टीचर्स को अलग अलग वर्ग में पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर CWC स्कूल की तरफ से ई मैगजीन दिशा का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि हमारे समाज में विज्ञान के प्रति बच्चों की जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसमें CWC स्कूल के योगदान को जितना सराहा जाए कम है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।